हैदराबाद, ठीक है जी। हमने शरेआम बोर्ड लगा रखे बीजेपी जेजेपी पूर्ण रूप से बायकॉट, इनको इनको ये बात हमारा जो सब निर्णय इनको पास बचाओ, भी हमारे गांव में पढ़ के देखो, फिर हम दिखाएंगे भी विरोध क्या है करा। यहाँ इन्होंने पुलिस बल तैनात करा क्या, बहुत भारी मात्रा में किसानों के साथ धक्का मुक्की करी है जी, ठीक है। कोई भी किसानों के साथ नहीं खड़ा, सब यहाँ पर सब चोर इकट्ठे हो रहे। इंद्री के गांव मुरादगढ़ में भाजपा के कार्यक्रम का विरोध करने पर किसानों के साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी की गई। किसान काले झंडे लेकर भाजपा के प्रशिक्षण शिविर का विरोध करने पहुंचे थे, मगर संख्या कम होने के नाते भाजपा कार्यकर्ता किसानों पर ही भारी पड़ गए। लिहाजा पुलिस तो मूक दर्शक बनी तमाशा देखती रही और भाजपा कार्यकर्ता किसानों से धक्का मुक्की करते हुए सत्ता की ताकत का रौब झाड़ते नजर आए। कार्यकर्ताओं के बीच इस समय बड़ी खुशी है, आपको इंद्री मंडल अधिकारी आ गए, दरअसल हुआ यूं कि इंद्री से भाजपा विधायक राम कुमार कश्यप की अगुवाई में गांव मुरादगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर चल रहा था। किसानों को इस बात की भनक लगी तो वो ठंड और बारिश की परवाह ना करते हुए काले झंडे लेकर शिविर के बाहर पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। बस फिर क्या था, किसानों की कम संख्या देख भाजपा कार्यकर्ता उन पर हावी होने की कोशिश करने लगे और इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों के साथ धक्का मुक्की भी की। वीरेंद्र सिंह है जी, गांव कादाबाद से, ठीक है जी। चलो ये तो काम हो गया जी, इनका इन्होंने हमारे साथ धक्के मुक्के करवाई, बीजेपी नेता इस गांव के ही हैं और पुलिस भी इनके हाथ में है। हमारा गांव है जी कादराबाद, ठीक है जी। हमने शरेआम बोर्ड लगा रखे है बीजेपी जेजेपी पूर्ण रूप से बायकॉट, इनको इनको ये बात हमारा जो सब निर्णय इनको पास बचाओ, भी हमारे गांव में पढ़ के देखो, फिर हम दिखाएंगे भी विरोध क्या है करा। यहाँ इन्होंने पुलिस बल तैनात करा क्या, बहुत भारी मात्रा में किसानों के साथ धक्का मुक्की करी है जी, ठीक है। कोई भी किसानों के साथ नहीं खड़ा, सब यहाँ पर सब चोर इकट्ठे हो रहे जी। हाँ जी, तो हम उसमें विरोध करने के लिए आए थे, जो हमको किया करने नहीं दिया, ठीक है। फिर भी हमने थोड़े चंद किसान थे, डटकर किया, कुछ बारिश का मौसम था, पुलिस की साथ में धक्काशाही थी। खैर पुलिस ने हमें कुछ नहीं कहा, साथ गांव के लोग दो तीन लड़के थे उनके, जिन्होंने धक्काशाही करी हमारे साथ, फिर भी हमने उनका विरोध किया। डटकर मेरे साथी खड़े रहे मेरे साथ, ठीक है, और हमने सिर्फ किसानों के साथ खड़े थे। और खुद किसान हूँ, मेरे पिताजी भी किसान है, ये सारे भाई किसान है, कादराबाद से है, समोरे से है, ये सब विरोध के लिए आए थे। और ये भाई साहब धूमसी से है, सुखिंदर सिंह जी भी, ये भी सिर्फ विरोध करने के लिए आए थे, जो सर करने नहीं दिया हमको, शांतिपूर्ण विरोध था हमारा। आपके साथ हाथापाई भी हुई है? हाथापाई भाई साहब, उन्होंने हमको धक्का मारने की कोशिश की है, अच्छा, ठीक है। पर उनको किसान की ताकत का किसान बीजेपी नेताओं ने की है क्या, जिसको किसान सहन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे इसको किसान सहन, कड़ा विरोध किया जाएगा, हर जगह किया जाएगा इसका विरोध। किसानों का कहना है कि भाजपा और उनके नेता पूरी तरह से तानाशाही पर उतारू हैं, जिसे किसान ही माकूल जवाब देंगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि किसान आंदोलन में 40 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है, मगर भाजपा का एक भी ऐसा नेता सामने नहीं आया है जिसकी जुबान पर किसानों की शहादत का दर्द हो। लगातार किसान वहाँ बैठा है, ठंड में बैठा है, और 40 से ज्यादा हमारे किसानों की मौत हो गई है। आज तक इन्हें बीजेपी के किसी भी विधायक ने, किसी ने मंत्री ने, किसी सांसद ने कोई शोक व्यक्त नहीं किया, और यह यहाँ अपनी राजनीतिक सभाएं कर रहे हैं और किसान का पूरा का विरोध करने का, और हम डटकर विरोध करेंगे जब तक हमारे तीनों कानून वापस नहीं करेंगे। बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर जहाँ लाखों किसानों का धरना आज 41वें दिन भी जारी है, वहीं अब गांवों और शहरों में भी किसान सड़कों पर उतरने लगे हैं। किसानों का कहना है कि लोकतंत्र में विरोध और आंदोलन करना सबका अधिकार है, इसलिए वो भाजपा नेताओं और उनके कार्यक्रमों का तब तक विरोध करेंगे जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते। इंद्री से मेनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी।